नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। 23 मई को होने वाली है वट सावित्री व्रत की पूजा। 23 मई को सोमवती अमावस्या है और इसी दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत। दोस्तों, वैसे अमावस्या की शुरुआत 29 तारीख दोपहर 2:54 से हो रही है, जो 30 मई शाम 5:59 तक रहने वाली है। मतलब समझो 6 बजे तक रहने वाली है, सॉरी 4:59 तक, मतलब समझो 5 बजे तक रहने वाली है। क्योंकि उदया तिथि दोस्तों 30 मई की है, तो ये उपाय आपको 30 मई वाले दिन ही कर लेना है, सोमवार के दिन करना है। सोमवार का दिन दोस्तों ऐसे भी भगवान शिव का दिन है। वट सावित्री व्रत पूजा कैसे करना है वो तमाम चीजें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी है। तो आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो वीडियो, आप लोग चैनल पर जाए और उस वीडियो को भी जरूर देख लें, ठीक है। जो लोग उपवास रखने वाले हैं उन्हें किस तरीके से उपवास रखना है वो तमाम विधि मैंने आपको उस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो में आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। ये वो उपाय है जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा, तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और शनि की पनौती आपके ऊपर से दूर होगी। अमावस्या का दिन दोस्तों हो, तो अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जितनी ज्यादा आप कर लेंगे उतना ही आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य भर जाता है। सोमवती अमावस्या है भगवान शिव की पूजा, जितनी ज्यादा आप कर लेंगे आपका जीवन उतना ही सुरक्षित और उन्नत हो जाएगा। 30 मई है, 3 का अंक है, तो आज के दिन भगवान नारायण की भी पूजा आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगी। 30 मई है इसके लिए आज के दिन पीपल की पूजा भी बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होगी, यही मैं आपको बता दूं। इसके साथ ही आज का जो उपाय बताने जा रही हूं दोस्तों बहुत ही श्रेष्ठ है। आज मतलब सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है, शिवालय में जाना है और शिव जी की आप जितनी ज्यादा पूजा कर सके उतनी करें। भगवान को गंगा जल मिला करके सादा जल अर्पित करें, उसके बाद में कच्चा दूध काले तिल मिला करके आज के दिन शिव जी को अर्पित करने से दोस्तों राहु भी शांत होते हैं और पितृ भी शांत होते हैं। कंटिन्यू ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप ये दोनों चीज उन्हें अर्पित करें। कमल के पुष्प यदि आप अमावस्या वाले दिन भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके घर से कभी भी माता लक्ष्मी रूठ करके नहीं जाती, ऊपर से हमेशा माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। और दोस्तों दूध मैं हमेशा बताती हूँ, दूध दही घी ये सब 14 जो रत्न है उनमें से एक रत्न है। जहां पर भी दूध होगा, दही होगा, घी होगा, जिस भी किचन में चीजें होती हैं उन पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, माता लक्ष्मी हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न रहती है। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है दूध में ये चीज, इस बार को ये चीज डाल करके पिए, इस बार को ये चीज डाल करके पिए। क्यों? क्योंकि उस दिन, क्योंकि दूध से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न रहने ही वाली है। आपके घर का ऐश्वर्य जबरदस्त चमकता ही है, लेकिन जिस वार के अनुसार मैं आपको जो चीज के बारे में बताती हूँ वो ग्रह भी साथ में मजबूत हो जाता है। उस ग्रह से जुड़ी हुई जो भी पॉजिटिविटी है वो भी आपकी लाइफ में आ जाती है। तो दूध हर पूजा में दूध तो लगता है, हर देवी देवता दूध का भी स्वीकार करते हैं, शहद का भी स्वीकार करते हैं। शहद दोस्तों शनि से जुड़ी हुई तमाम पनौतियों को दूर कर देती है, जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में काफी मिठास रहती है, रिलेशन बहुत ही मजबूत रहते हैं, नेगेटिविटी घर के अंदर एंटर नहीं होती है। यदि आपके घर में शहद है आपको शनि की कोई भी पनौती परेशान नहीं करेगी। आप किसी कागज पर अपनी इच्छा लिख करके शहद के अंदर डुबो करके रखते हैं वो काम आपका बहुत जल्दी होता है।
किसी का भी वशीकरण आप शहद के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों शहद और दूध, आपको इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और अमावस्या वाले दिन, ये जो सोमवती अमावस्या आ रही है, आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए कम से कम 51 और ज्यादा से ज्यादा 108 बार ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको जाप कर देना है। ये दोस्तों शिव जी का वो मंत्र है जो लक्ष्मी प्रदान है। आज के दिन दूध में शहद मिला करके इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। तो इस सोमवती अमावस्या को आप ये काम जरूर कर लें। छोटे छोटे से उपाय दोस्तों, जिस दिन ये पुण्य फल इकट्ठा हो जाता है उस दिन व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। लेकिन कई बार हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है, तो हम यही सोचते रहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। कभी भी आप अपने अंदर की श्रद्धा को यूं बिल्कुल कमजोर ना बना दें, श्रद्धा रखें, मजबूताई से रखें, थोड़ी सी सबूरी रखें, पेशेंस रखें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस उपाय को जरूर करें। सोमवती अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या है, जरूर कर ले इस उपाय को। और जरूरी नहीं है कि इसको सिर्फ महिलाएं करें, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसकी जो भी धन प्राप्ति की जिसकी भी इच्छा हो। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं, ये नंबर इनका डालते हैं और फोटो मेरा लगा देते हैं, ताकि आप तमाम लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि ये मेरा ही नंबर है और ये लोग आपको लूट रहे हैं। प्लीज सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।